नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनकी जे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नानी की बताई हुई कुछ जरूरी बातें। नंबर एक, फिटकेरी और नारियल तेल मिलाकर रात के समय शरीर पर मालिश करें, इससे दाग धब्बे और खुजली दूर होती है। नंबर दो, नाभि में तेल डालने से सुंदरता बढ़ती है और कई बीमारियां भी नहीं होती हैं। नंबर तीन, जिन लोगों को नींद कम आने की समस्या रहती है वह शाम को वर्कआउट जरूर करें। नंबर चार, भिंडी को कुरकुरी बनाने के लिए भिंडी को कम तेल में फ्राई करें। नंबर पाँच, पानी के साथ मेथी दाना खाने से पेट साफ रहता है और दर्द भी नहीं होता है। नंबर छः, चावल ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ सकता है। नंबर सात, पनीर खाने से हमारी याददाश्त तेज होती है क्योंकि पनीर में विटामिन बी होता है जो हमारी मेमोरी को तेज करता है। नंबर आठ, रोटी के साथ गुड़ खाने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर नौ, पानी में नमक शामिल करके कोने कोने में छिड़कें, इससे घर में मच्छर नहीं आएंगे। नंबर दस, लौंग चूसने से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर ग्यारह, रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर जरूर टहलें। नंबर बारह, अदरक का रस पीने से फालतू चर्बी कम हो जाती है। नंबर तेरह, जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दिन में दो तीन बार रोज पीने से पेशाब के रास्ते से पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। नंबर चौदह, सौंफ को बहुत महीन पीसकर उसे बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक में बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर पंद्रह, अगर आपकी दाढ़ी और मूछ के बाल सफ़ेद हो गए हैं तो रात को आंवले को पीसकर एक लोहे के बर्तन में रख दें और सुबह दाढ़ी मूछ पर लगाएं। नंबर सोलह, एक माह तक लगातार रात को 15 से 20 गिरी अखरोट को भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। दो महीने तक इसका इस्तेमाल करने से गठिया रोग ठीक हो जाती है। नंबर 17, प्याज पीसकर उसका रस कपड़े में छान लें और फिर इसे गर्म करके चार बूंद कान में डालें, इससे कान का दर्द खत्म होता है। नंबर 18, पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। नंबर 19, हल्दी और सेंधा नमक महीन पीसकर उसे शुद्ध सरसों के तेल में मिलाकर सुबह शाम मंजन करने से दांतों का दर्द गायब हो जाता है। नंबर 20, काले चने को उबालते समय उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दे, इससे वह जल्दी पक जाएंगे। नंबर 21, संतरा खाने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। नंबर 22, धनिया को अधिक समय तक फ्रेश रखने के लिए गीले कपड़े में रखें। नंबर 23, अजवाइन पेट दर्द में काफ़ी फायदेमंद होती है। नंबर 24, नमक में 2 से 3 बूंद सरसों के तेल की मिलाकर दांतों पर मालिश करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। नंबर 25, अदरक को कभी भी दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स करके ना रखें, इससे अदरक खराब हो सकती है। नंबर 26, हरी मिर्च को नेचुरल पेन किलर के रूप में माना जाता है। नंबर 27, एक चम्मच शहद में पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी जल्द ही दूर हो जाती है। नंबर 28, नाश्ते में रात के खाने में बंदा गोभी खाएं, इससे मोटापा कम होता है। नंबर 29, ज़्यादा मीठा खाने से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। नंबर 30, सरसों का तेल नाक में डालकर सोने से पेट कभी भी बाहर नहीं आता है। नंबर 31, रोजाना 15 दिनों तक अनार का सेवन करने से पैरों का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 32, टमाटर के ऊपर चीनी डालकर चेहरे पर रगड़ने से डेड स्किन सेल्स निकल जाती है और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 33, 2 चम्मच एलोवेरा जेल में रोज वाटर मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे के डर ग्लो आता है। नंबर 34,
बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए आंवला पाउडर मिलाकर बालों में और बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 35, चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और रंग भी निखरता है। नंबर 36, एक्ने पिंपल्स के निशान हटाने के लिए नीम के पत्ते का गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने, दाग धब्बे और पिंपल्स के निशान खत्म होते हैं। नंबर 37, रात को सोते समय आईब्रो पर बादाम का तेल लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नंबर 38, शरीर के किसी भी हिस्से में सुन होने का मुख्य कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होना है। कभी कभी हाथ या पैर सुन हो जाने पर स्पर्श संवेदना कम हो जाती है। इसके साथ ही झुनझुनी, जलन, तेज दर्द और कमजोरी भी महसूस होती है। हाथ और पैरों पर लगातार दबाव, चोट बहुत देर तक, ठंड में रहना, मधुमेह, थकान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, विटामिन बी या मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की कमी। अगर आपको बार बार या लंबे समय तक हाथ या पैर सूंन होने का अनुभव होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यह किसी बड़ी समस्या का भी संकेत हो सकता है। बहुत अधिक समस्या नहीं होने पर कुछ घरेलू उपाय से इसे दूर कर सकते हैं। नंबर 39, सोने से पहले अपने चेहरे पर एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा पिंपल और पिंपल के दाग को कम करने में मदद करता है और आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है। आप एलोवेरा प्लांट और एलोवेरा के किसी भी उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए इसे हर दिन प्रयोग करें। नंबर 40, रात को मोजा पहनकर सोने से गहरी नींद आती है। नंबर 41, इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में अनार का कोई जवाब नहीं है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और बाहरी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, इसलिए आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 42, लगभग 50 ग्राम बड़ी इलायची को तवे पर भून कर जला लें और ठंडी होने के बाद इस इलायची को पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नियमित रूप से सुबह पानी के साथ खाली पेट लेने से बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 43, प्याज का पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। नंबर 44, रोज सुबह एक कली लहसुन की खाएं। इससे आपको हाई बीपी के साथ साथ शरीर की कई बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। नंबर 45, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी जरूर मिलाना चाहिए। इससे रोटियां पौष्टिक बनती है और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद भी होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।